नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास सिरमल्ले, आप देख रहे हैं टीएस टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ। सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला सर्वप्रथम मी अभिवादन करतो। मंचावर उपस्थित काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उमेदवार आणि आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, लाडके व्यक्तिमत्व आदरणीय संतोषजी शेट्टी साहेब, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सर्व सन्माननीय नगरसेवक नगरसेविका, सर्व पदाधिकारी व सर्व कार्यकर्ते, त्याचप्रमाणे माझ्या समोर उपस्थित असलेले सर्व माझा मित्र परिवार, बंधू आणि भगिनींनो, जो हो अलग सबसे, मांगी थी दुआ मैंने रब से, देना कुछ जो हो अलग सबसे। राहुल गांधी ने मिला दिया आदरणीय संतोष जी शेट्टी साहब से, राहुल गांधी ने मिला दिया आदरणीय संतोष जी शेट्टी साहब से और कहा संभालो यही है अनमोल तोहफा सबसे। उपस्थित आज आपण पूर्व विधानसभेचे उमेदवार माननीय संतोष शेट्टी यांच्या सभेत उपस्थित आहोत। मी आपल्या सगळ्यांना एकच आवाहन करणार आहे की मागील वर्षी आपण यांना निवडून दिलं होतं मागच्या टर्ममध्ये, त्या लोकांनी काय केलेलं आहे त्यांचे कार्य डोळा पुढे ठेवा। इथे जे बसलेले लोक आहेत, आज खूप आनंद होतो की इथे जास्त करून महिलांची संख्या आहे, त्याबद्दल महिलांसाठी जरा टाळ्या वाजवाव्या। महिलांना खूप मोठी जिम्मेदारी असते घराची आणि बाहेरची, तर मी तुम्हा सर्वांना एकच सांगेन की काय भिवंडीला भेटलेलं आहे, जे निवडून गेलेले आहेत त्यांनी आपल्याला काय दिलेलं आहे। भिवंडीची टोरणची समस्या, भिवंडीचे रस्ते, भिवंडीचे पाणी, पावसाळ्यामध्ये आपण गटाराचं पाणी पित होतो का नाही पित होतो, तोरण पार मध्ये बिल कमी होतं, खोटे खोटे विजिलन्स लावले जातात, काय करत होते आपले, ज्यांना निवडून तुम्ही दिलं होतं ते लोक काय करत होते, आलं होतं कोण आपल्या बाजूने लढायला बोलायला, कोणी नव्हतं। इथे बसले लोक समजदार आहेत, आपण घरोघरी जाऊन मतदानाच्या दिवशी लोकांना समजून, त्याच्यापूर्वी लोकांना जाऊन समजून पोलिंग बूथ वरती आणायचं काम करायचं आहे। फक्त मी सांगते की आपण इथे बसून किंवा प्रचार सभा अटेंड करून चालणार नाही। 5 वर्षात काय केले सरकारने, 10 वर्ष झाले, 10 वर्ष भाजपा आणि सेनेच्या युतीला झाले, काय दिलं आपल्याला, नोटबंदी, जीएसटी, मोठमोठ्या योजनेच्या प्रत्यक्षात माणसाच्या पदरात पडलेले नाही, एक तरी योजनेचा लाभ भेटला आतापर्यंत, अजिबात नाही। फक्त ज्या योजना पहिले काँग्रेसने केल्या होत्या त्याची नावं बदललेली आहेत, काय भेटली का आपल्याला। पहिले आपण राजीव गांधी जीवन योजनेतून ऑपरेशन करायचो, तीच ऑपरेशन आता महात्मा फुले योजनेतून होतात, तीच योजना तर आयुष्यमान योजना झाली। 24 घंटा चौकन्ना, ये भगवान गंगा के हमारे एक काम का स्लोगन रहेगा। संतोष गांधी के पीछे जो चौकन्ना का शब्द लगा हुआ है वो इतने अलग रहते हैं कि जो भी गरीब जून, जो महिला, गरीबों से गरीब विद्यार्थी, गरीबों से गरीब कोई भी कामगार वहां उनके ऑफिस में गया तो अपने खाली हाथ कभी आया नहीं। इनकी जो छवि है वो समाज में ये एक जातीय सर्वे का रखने वाली एक हस्ती है और इनको
सराहा जाता है भिवंडी शहर में कि एक संतोष अंधा ने जो काम किया है कॉर्पोरेशन के माध्यम से, और बाद में उन्होंने राष्ट्रवादी का जो सर ताज अपने सर के ऊपर ताज जो बैठा था उनको छोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी में पदार्पण किया। एक बार कांग्रेस ने उनको धन्यवाद हमारा धन्यवाद उठन लिया कि उनकी विचारधारा हमारी कांग्रेस की बनी। मंच पर उपस्थित सारी पार्टियों के नेतागण भाई और बहनों, कल एक मीटिंग हुई, कल एक ऑफिस का उद्घाटन हुआ, आज एक ऑफिस का उद्घाटन, कल भी मैं गया था और मैं मेरी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से संतोष सिद्धि जी को सपोर्ट का ऐलान करने कल गया था, आज मैं फिर करूंगा। लेकिन वहां पर लोगों के चेहरे देखने नहीं मिले, बहुत ज्यादा भीड़ थी और लोग खड़े थे, आपके चेहरे देखने को मिल रहा है, सारे के सारे सुखड़े हुए दिख रहे, क्या टेंशन क्या है, मतलब मर्द बीबी से झगड़ा करके आया और बीबी मर्द से झगड़ा करके आया, ऐसा कुछ तो हुआ क्या? सब सुखड़े हुए चेहरे, चेहरे पे 12 बजे हुए, क्यों क्यों रोल बजे हुए? मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता नहीं है उसका कारण, आपके चेहरे जो सुखड़े हुए 12 बजे उसके कारण है, क्योंकि 5 साल पहले हमने अच्छे दिन के जो सपना हमको दिखाया गया था, सपना का जो व्यापारी आया था, सपना बेचने वाला जो आदमी आया था, हमको बेच के गया जो सपना, वो सपने को देखते हुए हमको लगा कि कुछ अच्छा हाथ में आने वाला है, उस पर विश्वास रखा और अभी तक कुछ नहीं आया, इसलिए हमारे चेहरे सुखड़े हुए, क्या कारण है? कारण क्या है? पावर रूम का मालिक वो रो रहा है, पावर रूम चलाने वाला वो भी रो रहा है, उसके बीवी बच्चे तो रो ही रहे, ऐसे है कि नहीं? खाली पावर रूम वाला रो रहा है क्या? बिल्डर वो भी रो रहा है, बीड़ी बनाने वाली वो भी रो रही है, और पापड़ बनाने वाली भी रो रही है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इसके वजह से हो रहा है कि गलत आदमी चुन के जाने के वजह से ये सारा हुआ। आपने देखा होगा सारे नेता घूमते रहते हैं, इसलिए आप जो हमारे एमएलए थे कई टाइम के उनको देखा होगा। आप में से अगर कोई मुझे ये बता दे कि ये 5 साल के अंदर, इसके पहले के 5 साल 10 साल से है वो भाई, आपने ये काम मैंने किया, आपने देखा होगा ये काम, उसने देखा भाई ये मैंने देखा, उसने ये काम किया, ऐसा कुछ काम दिखा गया आपको? वो प्लास्टिक के पत्रे लाके बस स्टैंड बनाने वाले एमएलए लोग हैं ये।